हाय गाइस, दिस साइड से विपुल शाह। अमेंडमेंट सेशन में आप सबका स्वागत है। नाउ ध्यान से सुनिए, पहले अमेंडमेंट लेक्चर देखना कैसे है, किन के लिए अमेंडमेंट है, सब बताने वाला हूं। तो ये अमेंडमेंट बेसिकली सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एग्जाम 2023 मई जून जुलाई जब भी आपका एग्जाम है उस समय है, ठीक है। सो क्योंकि टॉपिक बहुत सारे कॉमन है तो मैंने आपको एक कॉमन लेक्चर बना के दे रहा हूं, लेकिन आपके जो नोट्स है वो अलग अलग है। तो इन तीनों के नोट्स नीचे वीडियो में जो लिंक दिया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.vipulshah.org। यहाँ पे जाके आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया तो वहां पर आपको बहुत सारी फ्री में चीजें मिल जाएंगी, चार्ट्स मिल जाएंगे, रिविजन नोट्स मिल जाएंगे जो अपडेटेड है, यस, प्लस आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन अगर आपको खाली अमेंडमेंट नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया है, या फिर बेस्ट ऑप्शन है यू गो टू वेबसाइट, क्रिएट फ्री अकाउंट एंड डाउनलोड एवरीथिंग, नॉट ओनली अमेंडमेंट नोट्स, रिविजन नोट्स, चार्ट्स, एमसीक्यू, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। सो ये ऐसे देखना है, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइल है वो कॉमन फाइल है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको आपके नोट्स रिफर करना है, जहाँ पे आपको कंटेंट नहीं है वो आपको नहीं देखना है, आपको स्किप करके अगला वीडियो देखना है, ओके। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द अमेंडमेंट सीरीज, उसको अच्छे से एंड तक देखना है। कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज ड्रॉप कर दो, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो लेट्स Go ahead and start the amendment. चलो सो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये पूरा इंडेक्स मैंने दिया है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। सो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में। पहला जो अमेंडमेंट हुआ है वो कहां पे हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में हुआ है, सेक्शन 7(2). अच्छा, ये अमेंडमेंट सुनो, काफी सारे अमेंडमेंट्स अपन ने क्लास में कवर किए हैं, क्योंकि मैं आपको जो नोट्स देता हूं मैं हर 6 मंथ अपडेट करता हूं, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर्स पहले लिए हैं, या कुछ अमेंडमेंट्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बाद में इशू करती है, तो इसलिए ये आपको लेक्चर देखना है। इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स अपन ने क्लास में कवर किए हैं, काफी सारे करना बाकी है। चलो, सो 7(2) क्या है? एक्टिविटी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एंड नॉट लायबल टू जीएसटी। 7(1) में डेफिनेशन ऑफ सप्लाई है, 7(2) में एक्टिविटी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। उसमें ए जो है वो क्या है? ए है शेड्यूल 3। ए में अपन ने 8 एक्टिविटीज पढ़े हैं। क्या है शेड्यूल 3? इसमें ऐसे एक्टिविटी है ना उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सो उसमें अमेंडमेंट है क्या? नहीं। बी में अमेंडमेंट है, वो भी छोटा सा अमेंडमेंट है। सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी as may be notified by the government on the recommendation of council shall neither be treated as supply of goods or not supply of service. sir, ye apne already padhaya tha, yes, ye apne already padha hai ki central government, state government, local authority in public interest jo bhi kaam karti hai us pe gst nahi aayega as a public authority. acha, inke kaun se kaam mein exemption hai? ye apne exemption chapter mein padha hai in government sector. then सर्विस बाय ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्ट टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G एंड 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. ये भी अपन ने क्लास में पढ़ा है कि आर्टिकल 243G एंड W उसके तहत जो भी फंक्शन पंचायत को दिए है, करेक्ट ना, उससे रिलेटेड अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा. तीसरा, ये भी अपन ने पढ़ा है, आप बोलेंगे सर अमेंडमेंट क्या है, बताता हूं, छोटा सा है. तीसरा, अपन ने पढ़ा था कि अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं आता है, तो क्वेश्चन अराइज हुआ था उसका जो लाइसेंस है उसका क्या होगा. तो गाइस उसके लाइसेंस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, उसके लाइसेंस पे भी जीएसटी नहीं आएगा. तो सर्विस बाय ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी, एप्लीकेशन फी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, उस पे जीएसटी नहीं आएगा, ये अपन ने पढ़ा था. तो अमेंडमेंट क्या है? ये जो नोटिफिकेशन है ना, अभी ये 1 जुलाई से उन्होंने बैकडेटेड कर दी, बस
क्योंकि नोटिफिकेशन ये बाद में आए थे, ये नोटिफिकेशन बाद में आए थे तो ये अभी बैकडेटेड इफेक्ट से कर दिए। तो अभी 1 जुलाई से उन्होंने बोल दिया कि 1 जुलाई के बाद जब जीएसटी आया तो वहां से इस पे जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि अमेंडमेंट ये 2020 बीच में आया था तो उन्होंने इसको बैकडेटेड कर दिया है। बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है आगे। हाँ, ये अमेंडमेंट है, ये अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अभी अमेंडमेंट क्या है इसका पहले आपको लॉजिक बताता हूं, सब लोग ध्यान दो। अपन ने पढ़ा था 7(1)(c) है ना, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 1 एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन। इसमें अपन ने पढ़ा था पैरा 2। 7(1)(c) क्या है? शेड्यूल 1 एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन। पैरा 2 में अपन ने क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, क्या दिया? गिफ्ट। एंड इसका अगर वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। लेट से वैल्यू अगर 60,000 है तो पूरे 60,000 पे जीएसटी आएगा। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है सर, याद आ गया। फिर अपन ने पढ़ा था शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या लिखा था कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है उसके लिए एम्प्लॉयर उसको क्या दे रहा है? कंसिडरेशन दे रहा है या सैलरी दे रहा है। सिंपल, क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। तो उसने जो भी पे किया है ना, उसको अपन ने पढ़ा था, उसको मानते हैं नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, अच्छा ये लिमिट है फाइनेंशियल ईयर पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल 50 के ऊपर है तो जीएसटी आएगा। उल्टा हो गया, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है उसको जो सैलरी मिलेगा, ये सैलरी 3 फॉर्म में होगा। ये सैलरी के फॉर्म में होगा, ये अलाउंसेस भी हो सकते हैं, ये परक्विजिट के फॉर्म में भी हो सकता है, तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा, ऐसा अपन ने पढ़ा था। अब ये जो यहाँ पे वर्ड परक्विजिट है ना, इसके से कंफ्यूजन हो गया। परक्विजिट का मतलब है बेनिफिट गिवन इन काइंड। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो परक्विजिट है इसको अगर गिफ्ट मान लिया तो लेट से उसका सैलरी 8 लाख का है, अलाउंस 2 लाख के है एंड 3 लाख के परक्विजिट दिए, तो टोटल इस बंदे को मिला है 13 लाख रुपया। एम्प्लॉयर ने इस साल में 13 लाख रुपया दिया है जिसमें परक्विजिट 3 लाख का है, अलाउंस 2 लाख, सैलरी 8 लाख का है। तो ये जो 3 लाख का दिया है, ये यहां पे अगर आप देखते हो तो फिर 50 के ऊपर है एंड 50 के ऊपर है तो फिर ये क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को गिफ्ट किया है ना, उस पर जीएसटी आएगा। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वो क्लैरिफिकेशन आया है कि परक्विजिट यहां पे देखेंगे तो नो जीएसटी, लेकिन यहां पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, ठीक है ना। एंड ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ही है, क्योंकि पैरा 2 में क्या लिखा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, तो ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस भी है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए क्लैरिफिकेशन आया कि बोला नहीं, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो परक्विजिट्स दिए, अच्छा कब नहीं आएगा? इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। शेड्यूल 3 में कब आता है? शेड्यूल 3 में जीएसटी कब नहीं आएगा? इफ इट इज इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होगा तो नहीं आएगा, अदर देन एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर वो यहाँ पे फिट होगा एंड फिर उस पर जीएसटी आएगा। तो प्राइमा फेसी जीएसटी नहीं आएगा बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है। तो ये गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि इस पर जीएसटी नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर, है ना, समझा? तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि यस सर क्लियर है, एंड मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर देखो, और इस आप डायग्राम को लिखते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, मेक ऑल द डायग्राम्स। देखो, वेदर परक्विजिट प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आर लायबल टू जीएसटी। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, क्लैरिफिकेशन, एनी परक्विजिट प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट
एंटर बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर इन लियो ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या क्लेरिफाई किया कि उसके वो सर्विस का पार्ट है एंड इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है। इट फॉलोज देयर फ्रॉम दैट परक्विजिट प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो एज लॉन्ग एज वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एम्प्लॉयर ने आपको जो ऑफर लेटर दिया था उसमें लिखा था कि भाई तेरे को ये हम परक्विजिट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑफर लेटर में लिखा है मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर लेटर या कंपनी का एचआर का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, आपको ऑफर लेटर मिलता है कंपनी के पॉलिसीज के, उसका आपको एक मेल आता है, जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं जिस कंपनी में था हमको ऑफर लेटर भी लिख के देते थे प्लस एक ऑफिशियल मेल आता था जिसमें सब लिखा जाता था, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तो उसमें जीएसटी नहीं आएगा। बस इतना सा एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है, आई होप इट इज क्लियर। चलो देन नाउ, अभी एक इशू हुआ था लिक्विडेटेड डैमेज, करेक्ट ना, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेज कॉम्पेंसेशन पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या होता है, एक नीचे मैंने टेबल दिया है। तो पहले व्हाट इज लिक्विड डैमेज, लिक्विड डैमेज का मतलब है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए है ना, तो उसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ता है, उसको बोलते हैं डैमेज। सो लिक्विड डैमेज मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एक्चुअल लॉस जो कॉन्ट्रैक्ट ना होने से हुआ है। देखो लिक्विड डैमेज कॉम्पेंसेशन अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजन, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें जो पेनल्टी आता है उस पर जीएसटी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सुनाओ अभी कुछ चीजें अपन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, ये टेबल अपन पहले पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। नाउ व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेज, ब्रीच और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी रिजल्ट इन लॉस डैमेज टू अदर पार्टी। ठीक है, लिक्विड डैमेज आर द अमाउंट पेड ओनली टू कॉम्पेंसेट फॉर इंजरी लॉस डैमेज सफर्ड बाय द एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको काम दिया, वो आपने टाइमली कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए आपने मेरे को क्या दिया, डैमेज दिया, तो उस पर क्वेश्चन था जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। ये अपन ने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा है लिक्विडेटेड डैमेज, अगर आपको याद है तो उधर भी मैं जाके जो भी अमेंडमेंट से पढ़ाने वाला हूँ। देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सप्रेस इंप्लाइड बाय द एग्री पार्टी रिसीविंग द लिक्विड डैमेज टू रिफ्रेन और टॉलरेट एन एक्ट। हाँ, तो अभी लॉ बोलना क्या चाहते हैं कि ये डैमेज जो है, मैं सिंपल बताता हूँ, ये अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो जीएसटी आएगा, अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये जस्ट डैमेज को कवर करने के लिए है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किधर जा रहे थे, आप मस्त गाड़ी ड्राइव कर रहे, किसी बंदे ने आके आपको ठोका, आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ, आपने उससे 10,000 का पेनल्टी लिया गाड़ी ठीक ठाक करने के लिए, तो उस पर जीएसटी आएगा क्या, नहीं आएगा। वो लिक्विडेटेड डैमेज है, इज अ डैमेज फॉर एक्चुअल लॉस, बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन यू एंड मी, करेक्ट ना। तो गवर्नमेंट ने फोकस किस पे किया, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, एक वर्ड पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि अगर ये लिक्विडेटेड डैमेज जो है, ये आपको पढ़ने की जरूरत, मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का पार्ट है, अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का पार्ट है पहले से डिसाइडेड था तो फिर पेनल्टी आएगा, लेकिन ये पहले नहीं था, बाद में जस्ट टू कॉम्पेंसेट लॉस किया गया है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, नाउ अपन ने शेड्यूल टू पढ़ा है, जिसमें अपन ने पढ़ा था टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट एंड टू टॉलरेट एन एक्ट, उस पर जीएसटी आता है क्योंकि वो लॉ में डिफाइन है, ये लॉ में डिफाइन है ना, नॉन कॉम्पिट फीस ये लॉ में डिफाइन किया है, टू रिफ्रेन टू टॉलरेट एन एक्ट, तो जो लॉ में डिफाइन है उस पर तो जीएसटी आएगा, करेक्ट ना। लेकिन जो लिक्विड डैमेज है उसके लिए देखो क्या बोला है, कब जीएसटी नहीं आएगा, डैमेज रिजल्टिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी निगलिजेंस अनऑथराइज ऑफ ट्रेड नेम कॉपीराइट, उस पर नहीं आएगा। लेकिन कब जीएसटी आएगा, अमाउंट पेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ लेट फीस, हाँ मतलब मैंने आपको बिल देते समय उसमें लिखा था कि टाइमली तुमने पैसे नहीं दिया तो मैं तुमसे पेनल्टी लूंगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था, पहले से डिसाइडेड था तो आएगा। अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज, प्री पेमेंट ऑफ लोन, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं ना उसमें क्लॉज रहता है कि अगर आप लोन का रीपेमेंट पहले करेंगे तो 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उस पे जीएसटी आएगा। अमाउंट कैंसिल, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ सर्विस बाय कस्टमर, यानी काफी जगह पे पैसा भरते हैं बाद में आप खुद सर्विस कैंसिल करते हैं, तो वहां पे उनका क्लॉज रहता है कि अगर तुमने इन बिटवीन एग्रीमेंट तोड़ दिया
तो 25% आपको वापस नहीं देंगे, तो उस पे जीएसटी आएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, एकदम सिंपल बता रहा हूँ, लिक्विड डैमेज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इफ इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो जीएसटी आएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, जस्ट टू कॉम्पेंसेट लॉस है, लॉस को कवर अप करने के लिए लगाया गया है बाद में, तो आपको पैसा लेना है बट उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बस इतना ही आपको लर्न करना है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। चलो तो नेक्स्ट है आरसीएम। आरसीएम में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। देखो क्या ये अमेंडमेंट मैंने लेक्चर में कवर किया, बट आप वापस एक बार देख लो तो मजा आ जाएगा कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। नाउ पहला है जीटीए, तो एक बार एक जीटीए का रिविजन करते हैं। जीटीए में अपन ने पढ़ा था पहले, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीटीए सर्विस, जीटीए का मतलब क्या है, जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है उसको बोलते जीटीए, जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करता वो जीटीए नहीं है। और अपन ने एग्जम्पशन में पढ़ा है कि उस पे जीएसटी आता ही नहीं है। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि मेरे को मेरे ऑफिस शिफ्ट करना था, तो मैंने एक छोटे टेम्पोलर को बुलाया, उसने मेरे से 2000 रुपए लिया और मटेरियल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करा के दिया, तो उसने भी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि उसने मेरे को कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया था। ये बेस्ड ऑन ट्रस्ट था, हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैंने प्रॉपर किसी कुरियर कंपनी को बुलाया, पैकल्स एंड मोर्स को बुलाया है ना एग्जाम्पल, तो मेरे को कंसाइनमेंट नोट प्रॉपर बना के देंगे तो उस पर आएगा। तो यह है पहले जीटीए का मतलब समझ लो। तो अगर आप अदर देन जीटीए है, अगर आप कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहे तो एग्जेम्प्ट है। जीटीए है तो क्या है, रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में कौन आता है, फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एनी पर्सन रजिस्टर एनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी एंड सीटीपी। तो जीटीए जिसको भी सर्विस दे आरसीएम आएगा। अभी पॉइंट डी क्या है, मैंने क्लास में कहा था, सो पॉइंट ए टू जी में डी में क्या है, डी में एनी पर्सन रजिस्टर बोला है, तो देखा जाए तो गाइस डी में सब कुछ कवर हो रहा है, डी में सब कुछ कवर हो ही रहा है। तो ए बी सी एंड ई एफ जी का पर्पस क्या है सर, क्योंकि अगर वो अनरजिस्टर है तो वो ए बी सी एंड ई एफ जी में कवर्ड है। मतलब एग्जाम्पल फैक्ट्री, जो फैक्ट्री जीएसटी में रजिस्टर है वो पॉइंट नंबर डी में है, जो फैक्ट्री जीएसटी में रजिस्टर नहीं है वो ए में है। कहां पे वो ए में है, कहां पे वो ए में है, ठीक है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जो लोग रजिस्टर है वो डी में है, जो रजिस्टर नहीं वो कहां पे, बाकी जगह पे है, ठीक है। तो पर्सन लायबल टू फ्रेट ये लोग है। नाउ अभी अमेंडमेंट बस यहां पे हुआ है, अपन ने पढ़ा था कि अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे तो उस पर जीएसटी नहीं आता, तो ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसको गवर्नमेंट ने अलग से लिख दिया है बस। तो ये अब उसे इसमें करेक्शन किया है, ऊपर से निकाल के नीचे लिख दिया, बाकी ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं है। प्रोवाइड फर्दर दैट नथिंग कंटेन दिस एंट्री शैल अप्लाई, कब, द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड एक्सरसाइज द सर्विस ऑफ जीएसटी इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, the supplier has issued tax invoice to recipient charging central tax at that applicable and made declaration। to bas ye itna change hua hai yahan pe, to kya change hua bolu, to dekho provide that nothing contained this entry apply to kisko diya hai, department of central government state government local authority union territory, jin logon ne registration liya hai तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, बस इतना ही है। एंड ये तो आपको पता ही है कहां पे आरसीएम नहीं आएगा। दूसरा कौन है, ये ऐसा जीटी है जो फॉरवर्ड चार्ज में है। जीटी में दो है, रिवर्स चार्ज वाला एंड फॉरवर्ड चार्ज वाला, तो कब रिवर्स चार्ज नहीं होगा, अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, कौन कौन, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट जिन्होंने सेक्शन 51 में रजिस्ट्रेशन लिया है। 51 क्या है, वो टीडीएस कट होता है अगर 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो, करेक्ट ना, एंड वो कोई सप्लाई नहीं कर रहे टैक्सेबल का, तो उस पर तो जीएसटी आएगा नहीं, और ये एग्जम्पशन में भी है। एंड दूसरा ये फॉरवर्ड चार्ज वाला है, कौन सा है, फॉरवर्ड चार्ज वाला, कि जीटी ने जीटी को आईटीसी चाहिए तो उसने कहा नहीं मैं खुद 12% लगाऊंगा, उसमें आरसीएम नहीं आएगा। तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, जो मैंने लेक्चर में पढ़ा था वो एज इट इज है, बस वो उन्होंने उधर से निकाल के अलग से नीचे लिख दिया है, बाकी ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है ना। अभी यहाँ पे बहुत
ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं। सर्विस नंबर 5, सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी इन द टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, तो कौन जीसी देगा? जो बिजनेस एंटिटी है वो सर्विस देगा, बराबर है। और इसमें अपन ने एक एग्जम्पशन पढ़ा था, जो एग्जम्पशन चैप्टर में आएगा क्या है? बिजनेस एंटिटी भी कौन सा आएगा? जिनका टर्नओवर लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है वही बिजनेस एंटिटी पे टैक्स आएगा, 10-20 लाख से ज्यादा है उनको ही टैक्स देना है। ये अमेंडमेंट नहीं, मैं रिविजन करा रहा हूँ। तो क्या लर्न करना है? अच्छा, यहाँ पे सर्विस का नाम नहीं दिया है, तो गाइस एनी सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी जो इंडिया में है तो उसको जीएसटी देना है आरसीएम में, ये यहाँ पे लिखा है। और अपन ने एग्जम्पशन में पढ़ा है कि एग्जम्पशन में उसको क्या बोला है, 10-20 लाख तक का, मतलब जो उसके लिए लिमिट है रजिस्ट्रेशन का वहां तक एग्जम्प्ट है। हाँ, उसके ऊपर है तो रिवर्स चार्ज आएगा, अगर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट्स के कम है तो ये टोटली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अभी इसमें दो एक्सेप्शन अपन ने पढ़े थे, क्या था? रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, वहां पे अपन ने पढ़ा था कि रेंटिंग में अगर रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम, एंड रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज। ये अपन ने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी में। अपन ने क्या पढ़ा था कि मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं गवर्नमेंट का ऑडिटोरियम रेंट पे ले रहा हूं तो आरसीएम आएगा क्योंकि मैं रजिस्टर हूं, लेकिन आप आपके फैमिली फंक्शन के लिए गवर्नमेंट का ऑडिटोरियम रेंट पे ले रहे हैं एंड आपके जीएसटी का नंबर नहीं है तो गवर्नमेंट खुद जीएसटी आपको लगा के देगा। तो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी में रिसिपिएंट रजिस्टर है तो रिवर्स चार्ज, अनरजिस्टर है तो फॉरवर्ड चार्ज। तो ये भी एक रिविजन हो गया। अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, अमेंडमेंट क्या हुआ है गाइस? पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ये 4 सर्विसेज थे फॉरवर्ड चार्ज में, कितने थे ये 4 सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में थे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही जीएसटी लगाता था, ठीक है, बाकी सब एग्जेम्प्ट थे, बाकी सब, हाँ बाकी आरसीएम में नहीं था, बाकी सब क्या थे, एग्जेम्प्ट थे। अच्छा गाइस, मैं आपको हिंट देकर रखता हूँ, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक मैं आपको हिंट बताता हूँ कि जीएसटी में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सोचना है। मैंने क्लास में भी कहा था कि जीएसटी में जब भी क्वेश्चन आता है स्पेशली सर्विस का, पहले आप चेक करो कि वो एग्जम्पशन में है या नहीं है, अगर वहां पे नहीं है तो चेक करो आरसीएम में है क्या, एंड आरसीएम में नहीं तो कहां पे वो फॉरवर्ड चार्ज में, तो ये फ्लो में आपको लर्न करना पड़ता है। तो मैंने आपको क्लास में कहा भी था कि एग्जम्पशन एंड आरसीएम भले अपन ने अलग अलग पढ़ा है और उसके अपन ने चार्ट्स कंबाइन बनाए, मैंने आपको लिंक करके भी दिया था, बहुत डिटेल में आपको पढ़ा है। तो ये थोड़ा ऐसे फ्लो ध्यान में रखना कि एग्जम्प्ट है क्या नहीं, फिर आरसीएम है क्या नहीं, मतलब वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। तो मैं जहां जहां पे बोलता हूँ कि वो आरसीएम में नहीं है, इसका मतलब वो एग्जाम भी हो सकता है या फॉरवर्ड चार्ज में भी हो सकता है। अभी मेरा फोकस खाली आरसीएम का है, अभी मेरा फोकस कौन सा है, खाली आरसीएम का है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो 4 सर्विस थी कौन सी थी? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, इसको हटा दिया गया है। तो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, लिख कर रखना है यहाँ पे, क्या लिखना है कि डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफ पोस्ट की सभी सर्विसेज अभी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में है। लिखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नाउ ऑल सर्विसेज आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अर्लियर ओनली 4, पहले कितने थे, 4 थे, अभी कितने हो गए, सब आएंगे, अभी कितने आएंगे, सब आएंगे, ठीक है। अर्लियर ओनली 4 थे, नाउ ऑल सर्विसेज आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, बस इतना ही अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। हाँ, इसका मैं डिस्कशन अभी एग्जेम्पशन में भी करूंगा, है ना, तो ये सब जगह से हट जाएगा एग्जेम्पशन में, जहां जहां पे सब जगह पे वो कट 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 दिखेगा, सब जगह पे वो क्या दिखेगा, कट 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 करके रखना है, एंड ये सब अभी फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। मतलब ये तो फॉरवर्ड चार्ज में था, बाकी भी कहां पे आएगा, अभी फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, देखो एक्सेप्ट का मतलब क्या है, इसमें फॉरवर्ड चार्ज आएगा, एक्सेप्ट का मतलब इसमें फॉरवर्ड चार्ज आएगा, तो इसको यहां से हटा दिया, मतलब क्या, पहले इन 4 पे फॉरवर्ड चार्ज आता था, अभी हर एक पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो एग्जेम्प्ट हुआ है,
तो आगे जाके भी एग्जेम्पशन में सब जगह पे खाली चार भी था, उसको कट करके क्या लिखना है, नाउ ऑल सर्विसेज आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो जो सर्विसेज है अभी सभी सर्विस क्या हो गए, फॉरवर्ड चार्ज में आ गई, इतना ही अमेंडमेंट लर्न करना है। ठीक है, चलो नाउ एनी क्वेश्चन नाउ। ठीक है नाउ आपको मैं एक डायग्राम बना के दे रहा हूं, मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। लिख लो डायग्राम, लिखो हेडिंग, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ये अपन ने ऐसे डायग्राम क्लास में बनाया था। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या क्या आएगा। इसमें मैं पहले लेता हूं जो सिंपल है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें दो पार्ट, क्या रिसिपिएंट रजिस्टर पर्सन होगा या फिर रिसिपिएंट अनरजिस्टर पर्सन होगा। रजिस्टर पर्सन होगा तो क्या आएगा, आरसीएम आएगा, एंड अनरजिस्टर होगा तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। और अगर कोई याद है तो इसमें भी 5000 का एग्जेम्पशन है, याद है क्या, रेंट अप टू 5000 है ना, याद है ना, तो उसमें भी वो एग्जेम्पशन है। उसका मैंने आपको कंबाइंड डायग्राम बना के दिया, आप चेक करना एग्जेम्पशन में रेंटिंग का डायग्राम बना के दिया है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है कि गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस अगर 5000 पर ईयर लिमिट है तो जीएसटी नहीं आएगा, तो बट 5000 से रेंट ज्यादा ही रहेगा। मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि जहां पे मतलब ये जो सर्विस है ये टैक्सेबल होगा, बट वैल्यू कितने से ज्यादा होना चाहिए, 5000 के ऊपर होना चाहिए। हाँ, फिर वो आरसीएम हो या फॉरवर्ड चार्ज फर्क नहीं पड़ता, रेंटिंग का वैल्यू 5000 के ऊपर होना चाहिए तो ही आएगा। ये हो गया रेंटिंग का। उसके बाद जी इसको नाम देता हूं ए। अभी दूसरा बंक करते डायग्राम, इसका नाम दूंगा मैं बी। ठीक है, फॉलोइंग सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। फॉलोइंग सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, कौन सा, पहला सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, देन दूसरा कौन सा है, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट। लिखो डायग्राम, लिख लो, आपको अमेंडमेंट समझने में आसान होगा। वेसल और एयरक्राफ्ट, एंड तीसरा गुड्स और पैसेंजर सर्विस। इसमें हमेशा क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज। हाँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ है, पहले चार पे लगता था फॉरवर्ड चार्ज, अभी सब पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो ये हो गया, एंड नाउ ऑल राइट पार्ट सी। इसमें लिखो एनी सर्विस अदर देन, मैं लिखता हूं ए एंड बी, एनी सर्विस अदर देन ए एंड बी सप्लाइड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी।
इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसमें फॉरवर्ड चल जाएगा एंड गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, तो बस जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ना उसमें ही चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पहले चार सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में थे, अभी हर एक सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में आएगा बस। तो ये डायग्राम अपन ने क्लास में ऑलरेडी बनाया है, बट वापस एक बार आपको बना के दिया, आप लिखेंगे तो याद रहेगा, इसलिए मैं एक एक आपको जहां जहां पे रिक्वायर्ड है मैं आपको डायग्राम भी बना के देने वाला, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, सो आप इसको पॉज करके आप वीडियो व्हाट इज ओके बट लिख ला ईमानदारी से। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ अगेन अपने को डायग्राम बनाना है। सर्विस सप्लायर बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग, ये नया एंट्री ऐड हुआ है, ये एंट्री नंबर 5 ये है, ये नया एंट्री क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो सर्विस सप्लाइड बाय रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, देखो एनी पर्सन कौन देगा, जीएसटी रजिस्टर पर्सन देगा। अभी अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं, ये अपन ने इसका कुछ पार्ट एग्जम्पशन में पढ़ा था, याद करो अपन ने एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा था कि रेसिडेंशियल डवेलिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्या किया है, सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग किसको दे रहे, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे, तो जीएसटी आएगा। हाँ, ये अपन ने एग्जम्पशन में क्या पढ़ा था कि अगर मैं घर नॉर्मल रेंट पे दे रहा हूं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो जीएसटी नहीं आएगा, बट ये मैं दे रहा हूं रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, बट ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए है, तो क्या आएगा, आरसीएम आएगा। क्या आएगा अभी, हाँ तो ये टैक्स वाले तो अपने को पहले ही पता था, मैंने आपको एग्जेम्पशन में पढ़ा था, लेकिन अभी यहाँ पे अपने को समझ में क्या आया है कि इसमें आरसीएम लगेगा, तो रिसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं अपन थोड़ा एक रिविजन करते हैं, आप मेरे साथ डायग्राम बनाओ तो आपके लिए आसान होगा। देखो देखो यहाँ पे रेंटिंग सर्विस, ठीक है लिखो, अभी रेंटिंग दो का हो सकता है, एक हो सकता है रेसिडेंशियल, एक होता है कमर्शियल। या तो रेसिडेंशियल होगा या तो कमर्शियल होगा। नाउ रेसिडेंशियल अगर है तो उसमें दो पार्ट, पर्पस क्या है, रेसिडेंशियल पर्पस है या फिर कमर्शियल पर्पस है। कमर्शियल मतलब ऑफिस, मैंने आपको ऑफिस के लिए दिया, मतलब मैंने मेरा घर आपको रहने के लिए दिया है या फिर ऑफिस के लिए दिया है, अगर रहने के लिए दिया है तो क्या है। हाँ, अभी ये देखो यहां पे अमेंडमेंट हुआ है, कमर्शियल पर्पज है तो क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा जो अपन ने पहले पढ़ा था। हाँ, आरसीएम कब होगा, रेसिडेंशियल पर्पज है तो आरसीएम होगा, आप समझ लो, कमर्शियल पर्पज है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। अमेंडमेंट में क्या बोला है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बोला है, तो वो यूज एज अ रेसिडेंस है तो आरसीएम में आएगा, तो ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है बट यूज एज अ कमर्शियल है तो फिर आरसीएम में आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो मैंने मेरा घर आपको किराए पे दिया है जहां पे आप आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड चार्ज में मैं जीएसटी लगाऊंगा। यस हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे लिमिट्स वो 10-20 लाख के ऊपर होना जरूरी है, ऑब्वियसली है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास भी जीएसटी नंबर होना जरूरी है, फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। अभी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान दो सब लोग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, एग्जेम्प्ट है। अभी अमेंडमेंट देखो क्या आया है,
नाउ आपने प्रोवाइडेड टू रजिस्टर पर्सन है, किसको प्रोवाइड किया, रजिस्टर पर्सन को प्रोवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर यूज फॉर पर्सनल पर्पज है मतलब रहने के लिए यूज कर रहा है तो फिर वो एग्जेम्प्टी है, जो अपन ने एग्जेम्प्शन चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन अभी क्या बोला है, यूज फॉर बिजनेस है तो फिर यहां पे आएगा RCM एंड ये रहा अमेंडमेंट। अभी बोलेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज फॉर बिजनेस पर्पस, अरे बहुत सिंपल है, मैंने मेरा घर कंपनी को रेंट पे दिया एंड वहां पे कंपनी के एम्प्लॉय रहने वाले हैं। गाइज एक्चुअली अपन ने क्लास में कवर किया है, एग्जम्पशन में इसका न्यूमेरिकली मैंने कवर किया, आप प्लीज एक बार इसको एग्जम्पशन चैप्टर से लिंक कर लेना, आपके नोट्स में आपको 100% मिलेगा, 100%। आप मेरे एग्जाम्पल पढ़ लेना, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, बस वो आरसीएम में डाला गया इसलिए मैं आपको वापस पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने मेरा घर कंपनी को दिया है, ठीक है। अच्छा अभी कंपनी जो है सुनो, अगर वो ऑफिस करके यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा, लेकिन वो रहने के लिए यूज करने वाले हैं, इसके लिए यूज करने वाले हैं, मैंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है तो फिर आरसीएम आएगा। तो क्या आएगा, हाँ तो अभी लॉजिकली बताओ, मैं जब कंपनी को दूंगा, कंपनी आर्टिफिशियल एंटिटी है तो वो आरसीएम में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आरसीएम। लेकिन मैंने एज एन इंडिविजुअल आपको दिया घर, आपने आपका ऑफिस स्टार्ट किया तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा, एंड रहने के लिए आप यूज कर रहे हैं तो नो जीएसटी। तो तीन चीजें आपको लर्न करना है, पहला मैंने मेरा घर मिस्टर ए को दिया, ध्यान से सुनो, ए रहने के लिए यूज कर रहा है, फिर वो रजिस्टर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, एग्जेम्प्टी है, ना रिवर्स चार्ज है ना फॉरवर्ड चार्ज है, क्योंकि वो यूज किसके लिए कर रहा है, रहने के लिए। तो अगर आप अभी रेंटेड घर में रह रहे हो नो जीएसटी, क्योंकि आप रहने के लिए यूज कर रहे हो। मैंने आपको घर आपको ऑफिस स्टार्ट करने के लिए दिया, कमर्शियल पर्पज बोला है, आरसीएम कमर्शियल पे नहीं है, रेजिडेंशियल पे आरसीएम है, कमर्शियल है तो फॉरवर्ड चार्ज मैं खुद आपको जीएसटी का बिल बना के दूंगा, प्रोवाइडेड मेरे पास जीएसटी का नंबर है ऑब्वियसली। एंड ये दोनों छोड़ के मैंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है एंड वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो रेजिडेंशियल हाउस गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन यूज फॉर बिजनेस, उसमें क्या आएगा, आरसीएम आएगा, उसको जीएसटी भरना है, ठीक है। एंड अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो फॉरवर्ड चार्ज, मैंने मेरा ऑफिस रेंट पे दिया तो उसमें सोचने की बात नहीं, कंफ्यूजन कहाँ पे, रेजिडेंशियल पे, अगर मैंने ऑफिस ही रेंट पे दिया तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज है। तो प्लीज इस डायग्राम को आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से जो भी आएंगे मतलब एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा अभी इसमें और एक दे देता हूँ, मैं एक ऐड कर देता हूँ, तो डायग्राम विचित्र हुआ है, गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट, मतलब मैंने मेरा घर किराएदार को रेंट पे लिया है एंड जो अनरजिस्टर है क्योंकि जॉब करता है तो एग्जेम्प्ट है। फिर तो उसको अच्छे से लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आने वाला है, बाद में बोलना मत सर आपने बोला क्यों नहीं पहले कि एग्जाम में आने वाला, आज ही बता रहा हूँ, लिख लो और उसका एग्जाम्पल दिया आप उसको पढ़ लेना, यही दिया उसमें लिख के दिया है, ठीक है। तो ये थे आरसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है मैं आपको जस्ट बता देता हूं। सिचुएशन इन विच कॉर्पोरेट रिसिपिएंट लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर अंडर आरसीएम, अपन ने पढ़ा था कि अगर अपन बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहे हैं तो उसमें जीएसटी वो भरेंगे। द क्वेश्चन विच अराइज फॉर द कंसिडरेशन, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको मोटर कार रेंट पे दे रहा हूं, करेक्ट ना, जहां पे आप पैसेंजर मतलब आप कहीं पे लेके जाओगे एंड यहाँ पे मैं खुद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस दे रहा हूँ, मतलब पहले केस में मैं आपको कार रेंट पे दे रहा हूँ एंड सेकंड केस में मैं कार रेंट पे नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रन कर रहा हूँ।
सो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टू सर्विस व्हिच इज एज अंडर. तो इसमें कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली दोनों आरसीएम बैंक है क्या, मतलब इन दोनों में फर्क क्या है. एक में क्या है, मैंने आपको कार रेंट पे दिया है आपके काम के लिए, कंपनी के काम के लिए, एंड सेकेंड केस में मेरा और उसमें से भी ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, मतलब इसमें से पैसेंजर ही जा रहे हैं, है ना, मोटर कार मतलब कि अल्टीमेटली उसमें से बैठ के लोग जाएंगे, एंड मैं खुद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस में हूँ, है ना. हाँ तो अभी फिर एंड इसमें तो फॉरवर्ड चार्ज है, इसमें आरसीएम है, तो दोनों में फर्क है, ऐसे में क्लेरिफाई किया है. देखो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू सर्विस व्हिच इज बिलो. देखो दोनों अलग अलग है. देखो क्या है, सर्विस ऑफ रेंटिंग अ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, उसमें क्या आता है, रेंटिंग अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीरियड ऑफ यूज, वेदर द रेंटर डिफाइन हाउ एंड वेन द व्हीकल विल बी ऑपरेटेड, उसका शेड्यूल रूट सब मैं बताऊंगा. तो मैं जब आपको मेरी मोटर का रेंट पे दे रहा हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा कि कितने बजे हम आपको पिक करेंगे, कितने समय के लिए रेंट पे होगा, करेक्ट ना, व्हीकल कैसे ऑपरेट होगा, टोल के चार्जेस कौन भरेंगे, शेड्यूल कहाँ से होगा, कौन से रूट से जाएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा. एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या अलग है, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का एक पर्टिकुलर किराया लिया जाएगा आपसे, पहले वाला आपके हिसाब से होगा क्योंकि मैं आपको कार रेंट पे दे रहा हूँ. तो अकॉर्डिंगली इट इज क्लेरिफाइड दैट व्हेन बॉडी कॉर्पोरेट हायर मोटर व्हीकल फॉर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच मोटर व्हीकल शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, वो मोटर व्हीकल उनके पास ही रहेगी, वो एम्प्लॉय को ले जाने के लिए यूज करेंगे, द सर्विस विल फॉल अंडर द सर्विस ऑफ रेंटिंग मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, एंड उसमें बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी देंगे अंडर आरसीएम. मतलब जहां पे व्हीकल उनके पास डिस्पोजल पे रहेगी, है ना, मतलब मैंने व्हीकल उनको रेंट पे दिया है, वो व्हीकल को यूज कर रहे हैं उनके एम्प्लॉय को ले जाने के लिए. दस रिवर्स चार्ज विल अप्लाई बाय रेंटिंग ऑफ व्हीकल बाय बॉडी कॉर्पोरेट इन सच केस एंड इट इज फॉर बॉडी कॉर्पोरेट टू यूज द मैनर, ठीक है. हाउएवर वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट अवेल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर स्पेसिफिक जर्नी, जहां पे वो रेंट पे कार नहीं ले रहे, बस वो टिकट निकाल के बैठ गए, तो उसमें आरसीएम नहीं आएगा, है ना. मतलब एज अ बॉडी कॉर्पोरेट मैंने पूरा कार रेंट पे लिया आपसे, और मैं एक महीने के लिए कार रेंट पे लिया, मैं एक महीने के लिए एम्प्लॉय को उसमें ले जाऊंगा, तो आरसीएम आएगा. लेकिन दूसरा मैंने काम क्या किया है, जो दिया है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, बस मेरे को पुणे से मुंबई जाना है, खत्म बात, है ना. तो उसमें फिर आप फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, आरसीएम नहीं आएगा, उसमें फिर ट्रांसपोर्टर के हिसाब से होगा, इसमें आरसीएम नहीं आएगा. तो इतना ही क्लेरिफाई किया है, ये दोनों अलग अलग है. तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है तो आरसीएम आएगा, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में मैं व्हीकल रेंट पे नहीं ले रहा, मैं एक बस वॉयज का पैसा दे रहा हूँ, मैं आके गाड़ी में बैठूंगा, तो उसमें नॉर्मल होगा, उसमें आरसीएम नहीं आएगा. चलो तो नेक्स्ट चैप्टर है कंपोजिशन लेवी. इसमें इतना एक अमेंडमेंट छोटा सा हुआ है, फ्लाई ऐश कंटेंट ऑफ फ्लैश एग्रीगेट अप टू 90%. अच्छा ये लिस्ट याद करो पहले, ये लिस्ट क्या था, ये ऐसा लिस्ट था जिसपे जीएसटी, मतलब जिसके लिए आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, 10-2 का था. हाँ इसका आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगर आप इन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते. अभी इसमें से इसको हटा दिया गया है, तो इसमें से हटने के बाद ऑब्वियसली आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं. फ्लैश कंटेंट ऑफ फ्लैश एग्रीगेट 90%. तो देखो क्या हुआ है, Between 1/4/20 to 18 July, the manufacturer of fly ash aggregate were ineligible to offer the scheme. Only when the fly ash content was 90% or more, उससे कम है तो एलिजिबल थे, है ना. मतलब fly ash content अगर 90% है, उससे ज्यादा है, तो आप composition scheme के लिए नहीं थे, उससे कम है तो थे. अब इसको हटा दिया है, तो अभी 18 जुलाई के बाद आप एलिजिबल हो, उसके पहले आप एलिजिबल, 1 अप्रैल से 18 जुलाई आप एलिजिबल नहीं हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो. बस इतना ही छोटा सा एक अमेंडमेंट है. देन नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, एकदम सिंपल सिंपल अमेंडमेंट्स हुए, बताता हूं क्या एक एक करके. सो बेसिकली हुआ क्या था, पेमेंट ऑफ टैक्स में सेक्शन 49(2) था. अच्छा बेसिकली पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको क्या क्या अलर्ट होना चाहिए, तो सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स था, अपन ने उसमें पढ़ा था 49(5) प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, है ना. तो उसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट्स क्या हुआ है, ये पहले सेक्शन था, क्या था 49(2), द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41 एंड 43A. अब ये 43 इसमें से हटा दिया गया है, इसमें से क्या कर दिया गया, 43 क्या कर दिया बोलो,
हटा दिया गया है। क्या कर दिया? 43 गवर्नमेंट ने हटा दिया है, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड अपन ने जब लेक्चर में देखा था तो भी अपन ने उसको कवर नहीं किया था। तो जस्ट एक मिनट, तो बस यहां से एक सेक्शन हटाया गया है क्योंकि उसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करने वाली है। तो बस बाकी ऐसा कुछ नहीं इसमें। नाउ 4 में अच्छा अमेंडमेंट हुआ है। अभी देखो क्या हुआ है। सेक्शन 14(4) पहले क्या बोलता था, द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स अंडर द IGST एक्ट विद इन सच मैनर। मतलब क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जो भी बैलेंस है आप उसको आउटपुट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एक वर्ड डाला है विद रिस्ट्रिक्शन। मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। कौन सा रिस्ट्रिक्शन? एक रिस्ट्रिक्शन था देखो सेक्शन 86(b), जहां पे आप 99% ही अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो। अपन ने पढ़ा था 86(b) करके एक रूल पढ़ा था अपन ने, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी गवर्नमेंट चैलेंज करती थी लोग बोलते थे कि सेक्शन में कहां पे लिखा है ना कि आप हमको रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। तो अभी वर्ड उन्होंने डाल दिया रिस्ट्रिक्शन। पहले वर्ड कंडीशन था, अभी वर्ड क्या डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। एंड रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम आपको क्रेडिट क्लेम करने से रोक सकते हैं। जैसे अपने एक रिस्ट्रिक्शन पढ़ा था कि अगर आपका आउटपुट लायबिलिटी 100 रुपया है तो उसमें से 99% आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट इनपुट टैक्स, बचा हुआ 1 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन अभी बहुत बताया नहीं है, बट हम चाहे तो रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं आगे जाके। तो ये भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है। नाउ 10 में बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, 49(10) में। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था मेजर माइनर एंड मेजर हेड, हाँ उससे रिलेटेड है। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी इन द अमाउंट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST इंटीग्रेट टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स यूनियन टैक्स इन सच मैनर सब्जेक्ट टू कंडीशन। मतलब क्या है, आप फ्रॉम वन कैश लेजर टू अनदर कैश लेजर यू कैन शिफ्ट अमाउंट फ्रॉम वन माइनर हेड टू अनदर मेजर हेड और वाइस वर्सा, है ना। सो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसमें होते थे मेजर हेड एंड कुछ होते थे माइनर हेड। और इसमें होता था CGST, फिर इसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एनी अदर अमाउंट, ऐसे होते थे, ऐसे अपन ने पढ़ा था। तो पहले क्या था, बाय यूजिंग PMT 09 अगर आपको याद है, है ना, आप एक चलन अपने देखा था PMT 09, आप एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश लेजर क्रेडिट नहीं, कैश लेजर में आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बराबर है। बट अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले क्या होता था, पहले एक ही ब्रांच में होता था। मतलब क्या, अभी इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ कि सपोज मेरा दूसरे स्टेट में दूसरा नंबर है तो डीम डिस्टिंग पर्सन है तो वहां पे भी ट्रांसफर होगा, पहले सेम जगह पे होता था, है ना, मतलब सेम रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी अमेंडमेंट क्या, देखो इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंग पर्सन जो सेक्शन 25(4)(5) में है वो भी अभी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, यस। तो अभी डीम डिस्टिंग पर्सन है A and B, तो इसमें भी अभी ट्रांसफर हो सकता है, बस इतना है। पहले सेम पर्सन पे होता था, है ना, मेरे पास मेरा एक GST का नंबर है उसमें ही मैं ट्रांसफर कर सकता था। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हो अंडर सेक्शन 25(4) और 25(5), करेक्ट ना, तो इन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इतना ही अमेंडमेंट हुआ है, इतना अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन आगे का लिखा है, प्रोवाइड दैट
ना अभी क्या देखा, देखो प्रोवाइड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज अनपेड लायबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। मतलब उनका कहना है कि मैं मेरे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जो दूसरे स्टेट में है या सेम स्टेट में उन्होंने दूसरा नंबर लिया अंडर सेम पैन मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन इस ब्रांच में अगर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर पे अगर अनपेड लायबिलिटी है तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर आप ये ट्रांसफर करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपका लायबिलिटी लेजर का बैलेंस नील होना चाहिए तभी ट्रांसफर होगा। एंड पॉइंट नंबर 12 में भी कुछ खास अमेंडमेंट नहीं, बस उन्होंने वर्ड रिस्ट्रिक्शन डाला है जो पहले नहीं था कि अभी हम आईटीसी क्लेम करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे आपको धीरे धीरे बताएंगे। अच्छा अभी एक करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 42-43 गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो ये यहां से बस अपने क्लास में भी गवर्नमेंट चाहती थी इंप्लीमेंट हो। क्या है 42-43 मिसमैच, गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि मिसमैच या इसको पकड़ने की। मतलब गवर्नमेंट 2017 से बोल रही है कि आपने जो आईटीसी लिया उसको बोलते सेल्फ असिस्ट एंड बाद में उसको चेक करती है, बट ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट कुछ डेवलप नहीं कर पाई। तो सेक्शन 42-43 जो है जो मिसमैच के वो गवर्नमेंट ने पूरे हटा दिए और अपने क्लास में पढ़ा भी नहीं था, तो आप टेंशन ही मत लो, बस इसको कट कर देना। मैंने क्लास में खुद बोला भी था कि इसको नहीं पढ़ना है। अभी एक रूल 87 में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है कि यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आईएमपी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये दो मोड ऐड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेफ्ट आरटीजीएस सब तो है, अब इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना जितना पेमेंट कर सकते हैं। ये उधर जो अमेंडमेंट पढ़ा ना अपन ने यही है कि बाय यूजिंग फॉर्म जीएसटी PMT 9 अभी आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन 25(4)(5) जो डीम डिस्टिंग पर्सन है उसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैशर का बैलेंस शिफ्ट कर सकते हैं। वो सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ, करस्पॉन्डिंग रूल में भी अमेंडमेंट हुआ और वो फॉर्म नंबर तो अपन ने पढ़ा था PMT 9। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो एक रिफंड का अमेंडमेंट हुआ है, छोटा सा अमेंडमेंट है, वे रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ एरनेस रिफंड। मतलब आपको गलती से रिफंड मिला है, एक तो रिफंड ड्यू नहीं था मिल गया या ज्यादा मिला है, गलती से ज्यादा रिफंड मिला है, सैंक्शन टू हिम अंडर सेक्शन 54(3). नाउ 54(3) ये नॉर्मल रिफंड है जो आपने क्लेम किया था, एंड रूल 96 जो है वो एक्सपोर्ट विद जीएसटी वाला है। एंड 54(3) जो है ये नॉर्मल रिफंड है, तो आपने ये रिफंड क्लेम किया है, देखो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेनल्टी वेर एवर एप्लीकेबल थ्रू फॉर्म जीएसटी DRC 03 बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन हिज ओन और बीइंग पॉइंटेड आउट एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एरनेस रिफंड डिपॉजिटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्रिएटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय प्रॉपर ऑफिसर By an order made in form GST PMT 03A। मैं बता दूं क्या, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपका जो ITC यहाँ पे रेगुलेट से आपका ITC है ₹20,000। आप जब रिफंड क्लेम करते हैं तो ये डेबिट होता है और आपने ये रिफंड क्लेम किया, ये एररनेस है ना। अच्छा अभी इसको आपको पे करना है तो आपको कैसे पे करना पड़ेगा, ये जो 8,000 रुपीज है ये आपको पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। ये कहाँ से पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये पे करने के बाद ये जो अमाउंट है वापस क्या किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा, तो दिस अमाउंट विल बी रिक्रिएटेड ओवर हियर, वही लिखा है। Recredit of 8,000 to electronic credit ledger, कौन से फॉर्म में होगा, PMT 03A। बस
क्योंकि आपको रिफंड आपने क्लेम किया था इसलिए डेबिट होता है। अब रिफंड आपने भर दिया तो वापस अमाउंट क्या होगा, रिक्रिएट होगा, ये दिया है। तो बस एक नॉलेज के लिए इसको पढ़ना है, ठीक है। चलो लिख लो आप इसको, यही वही उसका रूल दिया है। नाउ अभी इसमें बहुत बड़े अमेंडमेंट्स हुए, नया सेक्शन लाया गया 53 इंटरेस्ट ऑन डीलर पेमेंट ऑफ टैक्स। अपन ने सेक्शन 51 पढ़ा था जहाँ पे 18% इंटरेस्ट था, फिर अगर ITC का ज्यादा क्रेडिट क्लेम का तो 24% था। अब इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। अभी प्रॉब्लम अमेंडमेंट क्यों हुए, सेक्शन 42-43 ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली थी बट वो कर नहीं पाए, उन्होंने डिलीट कर दिया, तो उससे रिलेटेड काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो अब टैक्सल पर्सन हु मेक्स अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ ITC अंडर सेक्शन 42-43 है, मिसमैच के सेक्शन से। तो अगर आपने ज्यादा क्रेडिट क्लेम किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगता था, 24%। अपन ने लेक्चर में नहीं पढ़ा था क्योंकि गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने वाली थी बट नहीं कर पाए। अभी अमेंडमेंट के बाद देखो क्या हुआ है, वेर ITC हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, ये नया वर्ड लाया गया एंड, द रजिस्टर पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज एट द सच रेट नॉट एक्सीड 24% एज बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेट इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड। मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये नया सेक्शन लाया गया सेक्शन 53। अभी ये जो सेक्शन था इसका अपन ने एक रूल पढ़ा था, रूल 88B, अब इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पहला, इफ टैक्स हैज बीन बिलेटेडली पेड थ्रू क्रेडिट बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73-74 क्या है, रिकवरी के सेक्शन है जहां पे आपसे GST रिकवर किया जाता है, आपको शो कॉज नोटिस आता है एंड रिकवरी होता है। 73 इज लाइक एरर एंड ओमिशन एंड 74 फ्रॉड। तो ये स्टार्ट, ये रिकवरी प्रोसीजर स्टार्ट होने के पहले आपने खुद होके भर दिया। अच्छा अभी बिलेटेड रिटर्न का मतलब क्या है, अपना तारीख है 20, 22, 24 है ना, नॉर्मल स्कीम में 20, QRMP स्कीम में क्या है 22 है एंड 24 है, तीन डेट से अपने को। तो सेक्शन 51 में जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है ये 20 तारीख है या फिर 22 है या फिर 24 है, कौन सा 22 एंड 24 है, एंड एक 25 भी है, ये तीनों QRMP स्कीम के लिए और ये अपने 3B के लिए। तो इसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट एट 18% लगेगा। कौन सा अमाउंट पे लगेगा, नेट टैक्स पेबल। व्हाट इज नेट टैक्स पेबल, अपना आउटपुट GST माइनस इनपुट GST आफ्टर ITC। नेट टैक्स का मतलब क्या है, आफ्टर ITC आपको उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। ये था सेक्शन 51 कि जो भी ड्यू डेट है रिटर्न का उसके बाद आप जब भरेंगे तो जो भी अमाउंट पेएबल है उस पर 18% इंटरेस्ट देना है फॉर द नंबर ऑफ डेज डिले, ठीक है। ये समझ में आ गया, आप उसको लिख सकते हैं। देखो तो ये नेट टैक्स पेएबल देना है 18%, लेकिन इफ देयर इज एक्सेस ITC इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओवर द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड देन देयर इज अ डिले दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी पेएबल। मतलब मेरा ITC अगर ज्यादा है तो मैं रिटर्न टाइमली भी फाइल करता तो पेएबल जीरो है, एंड जब पेएबल जीरो है तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि मैं जब लेट रिटर्न फाइल करता हूं तो मैं अवेलमेंट में यूज भी ITC बाद में करता हूं, यूज भी ITC बाद में यूज करता हूं। तो अगर मेरा ITC मेरा आउटपुट लायबिलिटी से ज्यादा है तो मेरे को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़े, अदरवाइज जितना मेरा नेट टैक्स पेबल है उस पर इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा एट 18%, ठीक है। ये एक पहली चीज। सेकंड, इन ऑल अदर केसेस का मतलब क्या है, सी ऊपर के केस में 73-74 का प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इन ऑल अदर केसेस का मतलब क्या है, आपको शो कॉज नोटिस मिल चुका है, बाजू में लिखो शो कॉज नोटिस मिल चुका है, 73-74 का असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो अभी देखो इसमें इंटरेस्ट 18% ही है, आप बोलेंगे सर दोनों में 18% है, फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज ड्यू टू बी पेड टिल द डेट ऑफ पेमेंट,
टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आपको शो कॉज नोटिस आया है, तो जिस दिन ड्यू था वहां से जब तक आप पे करेंगे तब तक टैक्स देना है। किस पे देना है? द अमाउंट ऑफ टैक्स विच रिमेन अनपेड पे देना है, है ना। जितना अमाउंट क्या था अनपेड है उस पे देना है, मतलब इसका मतलब क्या है, आपको ग्रॉस लायबिलिटी पे देना है। इस पे देना आपको ग्रॉस लायबिलिटी पे, मतलब बिफोर आईटीसी, क्योंकि आपको नोटिस आया है तो नोटिस में जितना अमाउंट आपका ड्यू है उस पूरे अमाउंट पे देना पड़ेगा। उस समय का जो आईटीसी वो माइनस नहीं होगा, जो अमाउंट ड्यू है विदाउट आईटीसी उस पे देना 18%। तो दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बट ये ऊपर का जो नॉर्मल है जो शो कॉज नोटिस के आपने पहले भर दिया, तो आईटीसी क्लेम करने के बाद जो लायबिलिटी उस पे 18%, एंड यहाँ पे आईटीसी क्लेम करने के पहले जो है उसका 18% देना है। एंड लास्ट ये नया अमेंडमेंट जो है 53, इफ इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, रॉन्गली अवेल भी किया और यूटिलाइज भी किया है। अच्छा, पहले एक मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, सुनो। नाउ आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज, इन दोनों में फर्क क्या है ना। सो आईटीसी अवेल्ड मतलब वो उसका अपने आईटीसी क्लेम कर दिया, आपके पोर्टल पे आ गया। एंड यूटिलाइज मतलब आपने उसको यूज किया, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, ये जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं, हाँ, मतलब 3B में जब अपन उसको यूज करते हैं, 3B यूटिलाइज करना मतलब क्या, जो अपना GSTR 3B है उसमें अपन क्या करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, उसको बोलते हैं यूटिलाइज, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलाइज। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, अवेल भी किया यूटिलाइज भी किया, दोनों किया है, ठीक है। तो देखो अभी इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। लेट्स से मैंने GST रॉन्गली अवेल्ड किया है, अच्छा पहले मैं बताऊंगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GST रॉन्गली अवेल्ड। रॉन्गली अवेल्ड का मतलब है मैंने सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं की। क्या कंडीशन थी, इनवॉइस नहीं मिला था, क्रेडिट क्लेम कर दिया, गुड्स नहीं मिले थे, है ना, 180 डेज में पेमेंट नहीं दिया, देन गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिले थे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ था, करेक्ट ना। तो सेक्शन 16 की जो भी कंडीशन थी उसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की तो उसको बोलते हैं रॉन्गली अवेल्ड, या गुड्स सर्विस रिसीव नहीं हुए थे तो रॉन्गली अवेल्ड है। एंड मैंने यूज फॉर, ओके, तो मेरे GSTR 2 में 1,00,000 रुपए दिख रहा है, ओके, लेकिन मैंने यूटिलाइज किया है। अब इसमें दो पार्ट है, अभी मेरे को पता चला कि मैंने गलत क्रेडिट लिया है, ये अवेल्ड हो गया। अभी मैंने यूटिलाइज नहीं किया, मैंने अवेल किया बट मैंने यूटिलाइज नहीं किया, मतलब मैंने 3B में यूज नहीं किया, उससे आउटपुट GSTR मैंने सेट ऑफ नहीं किया, तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उन्होंने क्या बोला, अवेल भी करना है और यूटिलाइज भी करना है। मैंने अवेल किया बट मेरे को गलती समझ में आ गई कि अरे अपन ने क्रेडिट तो क्लेम कर दिया है, मतलब पोर्टल में तो ला के रख दिया है, लेकिन अपने पास गुड्स नहीं मिले, इनवॉइस नहीं मिला है, जो भी कंडीशन है सेक्शन 16 की फुलफिल नहीं हुई है, तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन मैंने 42,000 यूटिलाइज कर दिया तो फिर इंटरेस्ट 42,000 पे ही लगेगा, इंटरेस्ट अप्लाई होगा ऑन 42,000। आंसर, मैंने पूरा यूज किया तो, अभी आप आंसर दो, पूरा यूज किया तो ऑन 1,00,000 लगेगा। समझ में आया का, मतलब खाली अवेलमेंट पे नहीं है, अवेलमेंट मतलब पोर्टल पे आ गया, सामने रिटर्न भर दिया, आपके GSTR 2 में दिख रहा है वो, ये होता है अवेलमेंट। यूटिलाइज कब होगा, जब 3B में होता है तो यूटिलाइज, जब आप ITC एडजस्ट करते तो यूटिलाइज होता है, तो जितना यूटिलाइज होगा उस पर इंटरेस्ट आएगा। तो अवेल्ड एंड यूटिलाइज का मतलब ये है, खाली अवेल्ड किया नो इंटरेस्ट, अवेल्ड करके यूटिलाइज किया जितना यूटिलाइज करके उस पर आएगा। कहाँ से, द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई, यूटिलाइजेशन कब होता है, जब 3B फाइल होता है, ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड ITC टिल द डेट ऑफ रिवर्सल और पेमेंट, जिस दिन आप ITC को क्रेडिट करोगे या गवर्नमेंट को पे करोगे। अगर मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो उसमें मैं कम कर दूंगा बैलेंस, बैलेंस नहीं तो पे कर दूंगा, तब तक 24% इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्ट किस पे आएगा, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 24%। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 24% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 51
इसमें अमेंडमेंट्स, तो सेक्शन 53 नया ऐड हुआ है, क्या हुआ है, नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 50 जो वन है वो नेट पेबल पे, 52 जो है, 52 वो 51 एंड 2 एक ही है, वो ग्रॉस लायबिलिटी पे है, एंड 53 अवेलमेंट पे नहीं है, अवेल करके यूटिलाइज किया रॉन्गली तो उस पे 24% है। ओके, तो सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं की, मतलब क्या हुआ, मतलब बराबर अवेल नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब रॉन्गली अवेल हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टीडीएस एंड टीसीएस, अभी इसमें काफी इंटरेस्टिंग छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट अपने को देखना पड़ेगा। अभी एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन है उसमें अपने पढ़ा था कि टीडीएस टीसीएस के जो स्टेटमेंट फाइल करते हैं ईसीओ, उसका डेट पहले 30 सितंबर था, अब इसको अमेंड करके कितना गया, 30 नवंबर किया गया है। सेक्शन 52 अपन ने पढ़ा था, है ना, टीडीएस टीसीएस, है ना, तो जो ईसीओ है तो पहले ये 30 सितंबर था, अभी कितना हो गया, 30 नवंबर हो गया, कितना हो गया अभी, 30 नवंबर। तो ये जो ईसीओ को जो भी स्टेटमेंट फर्निश करना है, जो भी उन्होंने टीसीएस वगैरह ये किया है, है ना, टीसीएस जो कलेक्ट किया है सेक्शन 52 में, उनका सितंबर का कितना हो गया, नवंबर हो गया। ये एकदम सिंपल अमेंडमेंट है। नाउ अभी कुछ डिस्कशन करेंगे 9(5) पे, अभी 9(5) अपन ने पढ़ा था, 9(5) क्या था, ईसीओ, इसके थ्रू अगर अपन सर्विस दे रहे तो ये है सप्लायर ऑफ सर्विस एंड ये कौन है, रिसिपिएंट। अगर इसके थ्रू अपन स्पेसिफाइड सर्विस दे रहे हैं, तो उसका जीएसटी कौन पे करेगा, ईसीओ पे करेगा गवर्नमेंट को, ये अपन ने पढ़ा है कि उसका जीएसटी कौन पे करेगा, ईसीओ पे करेगा गवर्नमेंट को। कौन से अपन देखे थे स्पेसिफाइड सर्विस में, याद है ना आपको, कौन सा है, कैब, हाउसकीपिंग, होटल, और उसमें दो ऐड हुए, मैं सब बता दो अमेंडमेंट क्या है, तो ये अपन ने देखा था। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम है, आप चाहे तो लिख के रखना। स्पेशल सर्विस में टोटल 5 आते, 2 नए ऐड हुए, 3 तो अपन ने ऑलरेडी पढ़े, 2 भी नए ऐड हुए, तो इसका जीएसटी कौन भरता है, ईसीओ भरता है। ठीक है, अच्छा अभी इसके रिलेटेड कुछ क्लेरिफिकेशन, ये जो जीएसटी पे करना है वो कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से पे करना है, है ना, ये आईटीसी यूज नहीं कर सकते, है ना, तो ईसीओ को कंपलसरी जीएसटी वो भरना पड़ता है, उनके पास जो कोई आईटीसी है तो उसको यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आउटपुट और इनपुट का एडजस्टमेंट है, दोनों इनपुट का एडजस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये इनके थ्रू सर्विस दे रहा है ना, तो ईसीओ जो सेटअप करना चाहते हैं वो इनपुट के अगेंस्ट इनपुट नहीं होगा, तो ईसीओ के पास कोई क्रेडिट रहेगा भी इलेक्ट्रॉनिक कैटलेजर में तो भी वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो भी वो क्या नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनके लिए आउटपुट टैक्स है, एंड दिस इज ऑल्सो अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये कौन सा है, ये रिवर्स चार्ज नहीं है, काफी बच्चों को लगता है कि इसका जीएसटी ये भर रहा है मतलब रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज मतलब जहां पे रिसिपिएंट टैक्स देता है, यहाँ पर रिसिपिएंट टैक्स थोड़ी दे रहा है, सप्लायर ही दे रहा है, बट सप्लायर के भी यहाँ पे ईसीओ दे रहा है। ये ऐसा क्यों किया, इसके लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था कि ऐसा क्यों किया, मैंने कहा था कि पुणे में ऑल ओवर के इतने रजिस्ट्रेशन है, ऑल ओवर इंडिया में कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, तो कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या गवर्नमेंट को भरोसा भी नहीं था कि अगर इनको जीएसटी मिला तो ये भरेंगे कि नहीं, वो भी नहीं पता था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पूरा बर्डन ईसीओ पे डाल दिया। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक थिंग, यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको फोटो करके या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अभी दूसरा डायग्राम,
ये ECU है, ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट। इसने क्या किया, इसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड किया है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया है। नाउ ध्यान से सुनना, अभी मैं ज़ूम करो कि ये बंदा अनरजिस्टर है। अच्छा, ECU में 95 में सप्लायर रजिस्टर हो या अनरजिस्टर फर्क नहीं पड़ता है, GST किसको भरना है, 95 वाले कुछ भरना है ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे GST ECU भरेगा तो सप्लायर का टर्न देखने का काम इसने। तो अभी इसने जो सर्विस दिया है ना, ये जो सप्लाई हुआ है, सप्लाई किसके थ्रू हुआ है, थ्रू ECU हुआ है, लेट से ये 7 लाख रुपए का हुआ है, ठीक है, एंड इस पे GST का रेट है 18%। तो ये 7 लाख पे 18% GST ECU भर देगा, आपको पता है। प्लस इस बंदे ने डायरेक्टली कस्टमर को भी सर्विस दिया है ना, कस्टमर को सर्विस दिया है 16 लाख का। तो अभी ये बंदा अनरजिस्टर है। अभी देखो इसमें कंप्लेंस क्या क्या होगा। पहला कंप्लेंस होगा ECO GST पे करेगा, कितने पे करेगा, 7 लाख इंटू 18% पे ECO GST पे करेगा। अभी ये जो बंदा अनरजिस्टर है, क्वेश्चन है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या। अभी इसके लिए अगर आप देखेंगे जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो कितना होगा, ECO के थ्रू उसने सप्लाई किया 7 लाख, एंड डायरेक्ट जो उसने सप्लाई किया वो किया 16 लाख का, तो टोटल सप्लाई इसने 23 लाख का किया है। टोटल सप्लाई इसने कितना किया है, 23 लाख का सप्लाई किया है, उसमें से 20 लाख को उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, एंड 3 लाख पे क्या आएगा, GST आएगा एट 18%। ठीक है, हाँ। अभी पहला क्वेश्चन आपको रहेगा कि ये टर्नओवर लेते समय जो सप्लाई हमने ECO के थ्रू किया वो ऐड करने का करना है। अपन ने एग्रीगेट टर्नओवर में पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन में कि एक्सेप्ट RCM हर एक टर्नओवर ऐड करना है, एक्सेप्ट RCM हर एक टर्नओवर ऐड करना है। तो ये जो अनरजिस्टर्ड बंदा है इसका टोटल टर्नओवर दोनों मिला के 23 लाख लिया जाएगा, 23 लाख में 20 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, एंड 3 लाख उसको GST भरना पड़ेगा, एंड 7 लाख का GST तो ऑलरेडी ECO ने भर दिया है, ठीक है। तो ये दूसरा डायग्राम हो गया, बस इसमें ध्यान में रखना कि ये बंदा अनरजिस्टर है, ये बंदा क्या है, अनरजिस्टर है, ठीक है। अभी तीसरा जो एग्जांपल होगा उसमें रजिस्टर होने के बाद देखो क्या होगा, लिख लिया आपने या वीडियो पॉज करके आप लिख लो या फोटो निकाल के लिख लो, आपके लिए जो इजी है वैसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी तीसरा देखो क्या हुआ है, तीसरा डायग्राम, अभी ये है 95 का ECO, ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट। अभी ये बंदा रजिस्टर है, रजिस्टर पर्सन है, जो सप्लाई ECO के थ्रू हुआ है वो 7 लाख का हुआ है ना, तो उसका GST कौन देगा, ECO देगा, ठीक है। नाउ अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, देखो मैं इनके थ्रू सप्लाई हुआ है,
8 लाख का, जहां पे बाद में सप्लाई हुआ है 4 लाख का। ये था नॉट लायबल। एट लाख का जो सप्लाई हुआ है उसमें इसको रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है, इसका जीएसटी कौन भरेगा? जीएसटी बाय एसीओ। ठीक है, बाद में 4 लाख का सप्लाई किया जिसमें उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, एज्यूम करो 4 लाख का सप्लाई जहां पर रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो नाउ इस 4 लाख पे जीएसटी कौन भरेगा? जीएसटी बाय सप्लायर। उसने 4 लाख का सप्लाई किया खुद डायरेक्टली, और उसका जीएसटी फिर किसको भरना पड़ेगा? सप्लायर को। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये हुआ है, सुनो, जहां पे सप्लायर जीएसटी भर रहा है, जहां पे ईसीओ जीएसटी नहीं भर रहा है, ठीक है, तो वहां पे ईसीओ विल एक्ट एज अ सेक्शन 52 एंड दे विल डिडक्ट द टीसीएस। ये अमेंडमेंट है, समझा आपको? सिर्फ ऊपर के केस में क्या था, ऊपर के केस में पूरा जीएसटी अपन ने पढ़ा था, सेक्शन 52 याद करना, सेक्शन 52 में पढ़ा था कि जहां पे टीसीएस कट होता है, मतलब जहां पे नाइन सेक्शन 52 अप्लाई होता है अदर देन 95, अपन ने पढ़ा था, क्योंकि 52 में वही ईसीओ टीसीएस कट नहीं करते हैं, समझा क्या ना आपको मैं क्या बोला? सेक्शन 52 में अपन ने पढ़ा था कि अदर देन 95। ओके, तो जो ईसीओ 95 में है उनके लिए टीसीएस कट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा जीएसटी वही भर रहे हैं। आई रिपीट, जो इश्यू 95 में है उनको टीसीएस क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जीएसटी वही भर रहे हैं। लेकिन अच्छा, 95 में कौन से इश्यू है? स्पेसिफिक सर्विस थ्रू इश्यू। अगर वो स्पेसिफिक सर्विस नहीं है तो देन इश्यू विल एक्ट एज अ सेक्शन 52 एंड देन दे विल डिडक्ट टीसीएस। मतलब इश्यू के भी दो रोल हो गए, ध्यान से सुनना। कुछ केस में अगर वही पूरा जीएसटी भर रहे हैं तो टीसीएस कट नहीं होगा, एंड अगर वो जीएसटी नहीं भर रहे तो फिर वो जब पेमेंट करेंगे तो टीसीएस कलेक्ट करके पे करना है। मतलब जो ईसीओ है उसको दो रोल करना है, सिंपल लैंग्वेज में। ये भी नहीं समझा तो, जब वो एज अ ईसीओ एड कर रहे 95 में तो पूरा जीएसटी उनको भरना है, तो उनके लिए टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन जहां पे एज अ वो ईसीओ एक्ट नहीं कर रहे देन पूरा जीएसटी किसके थ्रू होगा? पूरा जीएसटी सप्लायर को भरना है। जब पूरा जीएसटी सप्लायर को भरना है तो दे विल डिडक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। बट अभी आपके उनमें कंफ्यूजन होगा, सर आपने कहा था कि जो ओला उबेर है उसमें कैब का टर्नओवर कितना भी हो, जब तक तो वो सर्विस ईसीओ के थ्रू दे रहा है ईसीओ को जीएसटी भरना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब जगह पे अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको टेबल बता रहा हूँ कहाँ पे अप्लाई होगा कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। पहले आप फर्क समझ लो कि ईसीओ ने अगर पूरा जीएसटी भर दिया तो टीसीएस कट नहीं होगा, एंड ईसीओ ने पूरा जीएसटी अगर नहीं भरा, दे आर एक्टिंग एज अ ईसीओ मतलब सेक्शन 52 वाले, तो वहां पे उनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने पहले एनालिसिस पढ़ते हैं, फिर ऊपर का टेबल पढ़ते हैं। देखो क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रेडियो टैक्सी मोटर कैब मोटरसाइकिल ओमिनी बस और एनी अदर व्हीकल, कंपल्सरी टैक्स कौन देगा? हाँ, अभी देखो, सप्लायर रजिस्टर हो या ना हो इस सर्विस पे कंपलसरी 95 ही टैक्स देता है, तो इसमें टीसीएस का सवाल ही नहीं आएगा, है ना? तो जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो ओला उबर में जितने भी कैब ड्राइवर रिकॉर्डेड है रजिस्टर है ना, वो जीएसटी नंबर हो या ना हो इनका टीसीएस इनका जीएसटी पूरा ईसीओ भरेगा, एंड जहां पे पूरा जीएसटी ईसीओ भरेगा वहां पे टीसीएस कट नहीं होगा, समझा? तो यहाँ पे टीसीएस नहीं आएगा। सेकंड, सेम होटल्स। हाँ, होटल में वैसा नहीं है, अपन ने पढ़ा था होटल हाउसकीपिंग में दो ऑप्शन है, बोलो अगर ये बंदा रजिस्टर है तो 95 इज नॉट एप्लीकेबल, एंड जब 95 एप्लीकेबल नहीं होगा तो अंडर सेक्शन 52 ईसीओ क्या करेगा? टीसीएस कट करेगा, एंड अगर बंदा अनरजिस्टर है तो फिर 52 अप्लाई नहीं होगा, 95 अप्लाई होगा। मतलब दोनों में से एक रूल उनको परफॉर्म करना है, या तो 95 का करेंगे तो पूरा जीएसटी भरेंगे, एंड अगर वो 95 का परफॉर्म नहीं कर रहे रूल तो 52 में टीसीएस कट होगा। बट यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे दो अपन ने पढ़ा था कि इसमें कंपलसरी ईसीओ भरेगा। हाउसकीपिंग एंड प्लम्बिंग सेम, अगर रजिस्टर है तो 95 अप्लाई नहीं होगा। सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, यस।
एंड अगर अनरजिस्टर है तो फिर 52 अप्लाई नहीं होगा, 95 में पूरा जीएसटी इसी भरेगा। अभी ये दो नए सर्विस ऐड हुए हैं, रेस्टोरेंट सर्विस एंड ईटिंग जॉइंट्स अंडर सेक्शन 95 ईसीओ टैक्स देगा कंपलसरी। तो जब ईसीओ टैक्स देगा कंपलसरी पूरा जीएसटी इश्यू भरेगा, तो फिर इसमें 52 अप्लाई नहीं होगा। तो कौन से सर्विस बताओ, ये पहला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट सर्विस एंड ईटिंग जॉइंट, यहाँ पे पूरा जीएसटी ईसीओ ही भरेगा, फिर सामने वाला रजिस्टर हो या ना हो तो वहाँ पे टीसीएस का सवाल नहीं आता। एंड लास्ट रेस्टोरेंट रेटिंग जॉइंट इन स्पेसिफिक प्रीमाइसेस, स्पेसिफिक प्रीमाइसेस मतलब रूम, जिस मतलब होटल में या होटल भी और रहने का भी है, जहाँ पे किराया 7,500 से ज़्यादा है, अगर बंदा रजिस्टर है तो 95 अप्लाई नहीं होगा एंड फिर टीसीएस कट होगा, एंड अनरजिस्टर है तो फिर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, 95 अप्लाई होगा। तो पॉइंट नंबर 1 और 4 में कौन सा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट सर्विस एंड ईटिंग जॉइंट, इन दोनों केस में आप रजिस्टर हो या ना हो, 95 वाला जो सेक्शन है अप्लाई होगा एंड वो पूरा जीएसटी भर देंगे। एंड बाकी सभी केसेस में दो ऑप्शन, रजिस्टर है तो सेक्शन 52 अप्लाई होगा, टीसीएस कट होगा, अनरजिस्टर है तो 95 अप्लाई होगा। बस दिस इज द क्लैरिफिकेशन, और इसका डिफरेंस मैंने दिया है जो आपको पढ़ना है। तो 95 वाला नोटिफाइड के लिए एप्लीकेबल है, एंड अदर देन नोटिफाइड सब कहाँ पे, 52 में। जो 95 ही नहीं वो सब कहाँ पे आएंगे, 52 में आएंगे। बस दिस इज द डिस्कशन, बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर दिया, आप उसको आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट, नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, एसएच अमेंडमेंट्स नहीं हुए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुए। सेक्शन 16 में एक सेक्शन 2 में एक क्लॉज ऐड किया गया BA, है ना, एक क्लॉज ऐड किया BA, क्या बोलता है BA देख लो एक बार। अच्छा अभी सेक्शन 16 में क्या था, सेक्शन 16 में कंडीशन सी टू टेक क्रेडिट, अभी देखो उसका अमेंडमेंट क्या लाया है, द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर पर्सन अंडर सेक्शन 38 क्या था, इनवर्ड सप्लाई, 37 रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था ना पेमेंट ऑफ टैक्स में, कि गवर्नमेंट आपके अभी ITC पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। ओके तो ये अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वही लिखा है कि आपको जो 2B में दिख रहा है, GST 2 में जो आपको ITC दिख रहा है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, देखो क्या क्या हो सकता है, ITC नॉट अवेलेबल एज पर सेक्शन 38 एज पर 2B इफ सप्लायर इज हैविंग न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी ये गवर्नमेंट ने रीजंस दिए है कि कब हम आपका ITC रोक सकते हैं, अगर आपने जिस बंदे से लिया है वो बंदा अगर नया रजिस्टर है, फर्स्ट टाइम उसने रजिस्ट्रेशन लिया, तो गवर्नमेंट आपको देगी बट बाद में देगी। अब इससे इंडस्ट्री काफी नाराज हुई क्योंकि इसमें एज अ बायर मेरा कुछ गलती नहीं है, अभी उस बंदे ने नया नंबर लिया इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। Has defaulted in payment of tax and default has continued for a prescribed time period. आपने tax का payment नहीं किया सामने वाले ने और आप credit claim करना चाहते हो। He has paid tax in GSTR 3B lower than the output tax shown in GSTR 1 by the prescribed time. मतलब GSTR 1 में जितना आपका output liability है उससे 3B में आपने कम दिया, अभी 3B में कम दिया मतलब कि आपका ITC ज्यादा है, अदर नोटिफाइड रीजन है, तो इसको पढ़ना मत, बस इतना लर्न रखना क्योंकि अभी ये क्या कैसे इंक्लूड होगा पता नहीं, ये नया अमेंडमेंट है, बस अभी इतना लर्न करना कि सेक्शन 38 में कुछ रिस्ट्रिक्शन डालेंगे एंड और आपका क्रेडिट उस रिस्ट्रिक्शन में नहीं होना चाहिए तो क्रेडिट मिलेगा बस। देन सेक्शन 16(4) में अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 16(4) में अपन ने क्या पढ़ा था, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 22-23, अगर मैं ITC क्लेम करना भूल गया हूँ तो अपन क्या करते थे, अगले साल का जो 30 सितंबर 23 था उसका रिटर्न का फाइल होता था 20 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर आप ITC क्लेम कर सकते हो, है ना, मतलब फाइनेंशियल में ITC में क्लेम करना भूल गया तो बाद में क्लेम कर सकते हैं कि यस बाद में क्लेम कर सकते हैं, कब, अगले साल का जो सितंबर आएगा उसका रिटर्न फाइल होगा अक्टूबर में और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर,
अब इसमें अमेंडमेंट होके क्या हुआ है, ये जो 20 अक्टूबर था ना, ये गवर्नमेंट ने भी 30 नवंबर कर दिया है। तो 30 नवंबर 23 और 31 दिसंबर 23, विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। बस इंस्टेड ऑफ सितंबर सब जगह पे अभी क्या करना है, 30 नवंबर करना है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो सेक्शन 16(4) में क्या करना है, जहां पे नवंबर लिखा है, जहां पे अक्टूबर, वहां पे क्या करना है, नवंबर करना है। बस इतना ही चेंज है 16(4) में, ठीक है। देन रूल 36 में ये पॉइंट जीएसटीआर 2 गवर्नमेंट ने पूरा हटा दिया। मैंने भी क्लास में हमेशा डिस्कशन 2A 2B का ही किया है, तो ये कुछ काम का नहीं है, ये छोड़ दो। नाउ रूल 37, ये अपन ने पढ़ा था। रूल 37 में अपन ने क्या पढ़ा था कि मैंने आपसे मटेरियल लिया है, मटेरियल लेने के बाद मेरे को आपको इनवॉइस के बाद 180 दिन में इनवॉइस का पूरा वैल्यू प्लस जीएसटी पे करना है, तो ही मेरा क्रेडिट वैलिड रहेगा, नहीं तो मेरे को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। एंड अगर मैंने आपको प्रोपोर्शनेट पे किया तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलता था, बाकी का रिवर्स होता था, ठीक है। तो वही दिया है। तो इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट ये हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट था 18% हट गया है, इसके जगह पे सेक्शन 53 अप्लाई होगा। हाँ बस इतना ही है, बस बाकी सब सेम ही है, बस ये हटा दिया है ना। सेक्शन मतलब रूल 37 में 3 हटा दिया है, ये नहीं लगेगा, तो सेक्शन 53 के हिसाब से अभी 24% इंटरेस्ट लगेगा। अगर 180 डेज में नहीं देते तो रॉन्ग अवेलमेंट हो गया ना फिर वो, क्योंकि सेक्शन 16 के कंडीशन पे फुलफिल नहीं किए, तो जहां पे रॉन्ग अवेलमेंट होगा वहां पे आपको 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये छोटा सा इसमें अमेंडमेंट हुआ है। देन ब्लॉक क्रेडिट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, कुछ क्लेरिफिकेशन आया है। देखो क्या क्लेरिफिकेशन है, सेक्शन 17(5) आप बी पे ध्यान दो, ये तो ए मैंने ऐसे दिया। बी में क्या क्या था, फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विस है ना, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग अ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। अभी ध्यान से सुनना, ये देने का पर्पज है, अपन ने पढ़ा था कि मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट वो अगर मेरे लिए एलिजिबल है, कब एलिजिबल है, इफ इट इज यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, फर्दर सप्लाई के लिए यूज हुआ है ना, अपने पढ़ा था कि नहीं, करेक्ट ना। तो या ड्राइविंग, कार ड्राइविंग का है, या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फ्लाइट कैसे चलाना है, वेसल कैसे चलाना है, तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तो क्रेडिट मिलता है। फिर मैं खरीदूंगा तो भी क्रेडिट मिलेगा, एंड मैं रेंट पे लूंगा तो भी क्रेडिट मिलेगा। एंड अगर वो इन एलिजिबल है तो मैं खरीदता हूँ तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, एंड मैं रेंट पे लेता हूँ तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट अगर मेरे लिए एलिजिबल है तो मैं खरीदता हूं तो भी क्रेडिट मिलेगा, एंड यहाँ पे रेंट पे लूंगा तो भी क्रेडिट मिलेगा। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है ये जो लीजिंग वर्ड है ना, इसका एक छोटा सा कॉमा है। अभी लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, करेक्ट ना, मतलब क्या है, अभी क्वेश्चन है कि ये जो लीजिंग का कंडीशन है कॉमा की वजह से, ये सभी एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है या इन तीन एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब इन एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है, देखो यहां पे देखो, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम ही है। वेदर द प्रोविजन ऑफ 17(5)(bi) ऑफ सीजीएसटी एक्ट बार अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस बाय ऑफ लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो क्लेरिफाई देखिए, यस यहाँ पे जो लीजिंग है खाली मोटर व्हीकल का ही है, बाकी एसेट्स के लिए नहीं है, है ना, यहाँ पे दिया मैंने। तो ये जो लीजिंग का रिस्ट्रिक्शन है, हाँ, बाकी एसेट के लिए बार्ड नहीं है, वो लीजिंग में कॉमा था, तो लोगों का कि लीजिंग के लिए कुछ अलग है क्या, नहीं। तो मैंने अगर मशीनरी लीज पे लिया तो आईटीसी मिलेगा, ये लीजिंग का जो रिस्ट्रिक्शन है किसके लिए, मोटर कार वगैरह तीन चीजों के लिए नहीं है। मोटर कार, वेसल, एयरक्राफ्ट अगर मैं लीज पे लेता तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट बाकी जो मशीनरी जो एलिजिबल है वो मैं लिस्ट पे रहता तो क्रेडिट मिलेगा, तो एक क्लैरिफिकेशन हुआ है। उसके बाद हाँ, अभी एक और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, ये जो प्रोवाइजो था ना, ये अपन ने पढ़ा था। देखो यहां पे ना पॉइंट नंबर आया था,
आय में इतने सारे थे। उसके बाद सेकंड था मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड थर्ड था ट्रैवल बेनिफिट। उसके नीचे प्रोविजो में था कि ऊपर के जो सर्विसेस है अगर वो मैंडेटरी अंडर लॉ है तो आईटीसी मिलता है, अगर वो मैंडेटरी अंडर लॉ है तो आईटीसी मिलता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये जो प्रोविजो भी है खाली इसके लिए या सबके लिए है, क्योंकि ये दिया है थ्री के अंडर है ना। ये ट्रायल आपने नोट चेक करना, ये थ्री के बाद दिया है, लेकिन मैंने आपको क्लास में कहा था ये सबके लिए अप्लाई होता है, और वही अमेंडमेंट हुआ है। देखो, वेदर द प्रोविजो एट द एंड ऑफ क्लॉज बी ऑफ 17(5), ये प्रोविजो क्लॉज बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर क्लॉज बी और ओनली एप्लीकेबल टू क्लॉज थ्री, ये है, ये ओनली क्लॉज थ्री के लिए एप्लीकेबल है या पूरे क्लॉज बी के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी क्लैरिफिकेशन क्या है, ये पूरे क्लॉज बी के लिए एप्लीकेबल है, एंटायर क्लॉज के लिए वो क्या है, एप्लीकेबल है। मतलब फूड बेवरेज कोई भी हो अगर मैंडेटरी अंडर लॉ है तो आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। बस तो ये दो ही अमेंडमेंट्स हुए हैं ब्लॉक क्रेडिट में, बाकी एज सच कुछ अमेंडमेंट्स इसमें नहीं हुए हैं। एंड बैंकिंग में भी वो जीएसटी 2 सब जगह से हटा दिया है, सेक्शन 42-43 हटा दिया है, बट ये अपन ने पढ़ा ही नहीं था, तो ये जस्ट आपको नोट्स में कट कर दिया। मैंने क्लास में कवर ही नहीं किया था क्योंकि वो कभी इफेक्टिव हो ही नहीं पाए, गवर्नमेंट इसको इफेक्टिव किया नहीं, तो ना मैंने आपको सेक्शन 43-42 पढ़ा है, ना मैंने जीएसटी 2 की बात की है, तो आप इसको बस कट कर दो, दैट्स इट। तो ये थे अमेंडमेंट्स कहाँ पे थे, जो ब्लॉक क्रेडिट में हुए थे।